डियर लर्नर्स, माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन करेंगे डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अर्थात समकालीन विश्व में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में चिली की स्टोरी समझाई थी कि चिली में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, कैसे सैनिक तानाशाह ने सैनिक तख्ता पलट करके सैनिक तानाशाह बन के बैठ गया। तो इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चिली क्या है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चिली है इसकी आकृति भारत के कौन से राज्य से मिलती है? केरल राज्य से मिलती है। आगे है ला मोनेडा क्या है? जैसे कि भारत में राष्ट्रपति भवन है तो चिली में राष्ट्रपति भवन को ला मोनेडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्वेडोर अलिंदे कौन थे? तो साल्वेडोर अलिंदे चिली के राष्ट्रपति थे, 1970 में यह राष्ट्रपति बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चिली की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना साल्वेडोर अलिंदे ने की थी, जिसकी वजह से वो 1970 में राष्ट्रपति भी बने थे। साल्वेडोर अलिंदे की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1973 को हुई, सैनिक तख्ता पलट जब किया गया तो उस समय इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग के लिए साल्वेडोर ने स्पेशल भाषण कब दिया था? तो साल्वेडोर अलिंदे ने 11 सितंबर 1973 को मजदूरों के लिए ही अपने अंतिम समय में, उनको अपनी मृत्यु का आभास हो गया था कि सैनिक तख्ता पलट जो सैनिक तानाशाह हैं वो उनकी मृत्यु कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मजदूरों को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में साल्वेडोर अलिंदे की सरकार का तख्ता पलट क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे? तो उसमें सबसे पहला कारण है कि साल्वेडोर अलिंदे नीचे से उठकर आए हुए थे, उन्होंने समाज के लिए, गरीबों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई, जमीन का पुनः वितरण किया, बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे उनसे जमीन लेके भूमिहीन किसानों में बांटी, और विदेशी कंपनियों का विरोध किया, तो इसलिए विदेशी कंपनियों में असंतोष उत्पन्न होने लगा, और इस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका की भी बहुत विदेशी कंपनियां थी, और कुछ राजनीतिक दल समृद्ध लोग जो चिली के समृद्ध लोग थे, चिली में जो राजनीतिक दल थे, जमींदार लोग थे और जो चर्च थे वो इनकी नीतियों से खुश नहीं थे, उनके मन में असंतोष था, तो इसलिए यहाँ पर चिली में सैनिक तख्ता पलट किया गया। नेक्स्ट है, चिली का 1973 का सैनिक द्रोह क्या था? तो 11 सितंबर 1973 को मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, जब वहां के रक्षा मंत्री अपने ऑफिस में पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साल्वेडोर अलिंदे को गिरफ्तार करने के लिए बोला गया, उनको त्यागपत्र देने के लिए बोला गया या फिर देश छोड़ने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, तो इसलिए उनको बम से उड़ा दिया गया। उनके जो ला मोनेडा था, जो राष्ट्रपति भवन था, उसको चारों तरफ से घेर के बम्बारमेंट के द्वारा उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो जनरल अगस्तो पिनोशे, जनरल अगस्तो पिनोशे की अगुवाई में केवल साल्वेडोर अलिंदे को ही मौत के घाट नहीं उतारा गया, बल्कि वायुसेना के जो कमांडर थे, जनरल वायुसेना कमांडर अल्बर्टो बेशेल्ट, उनको भी जो है सैनिक तख्ता पलट के दौरान मौत के घाट
उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी उनका साथ देने से मना कर दिया था, और साथ में उनकी जो पत्नी थी वह उनकी जो बेटी थी उनको भी जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई। तो इस प्रकार से जो है यह 11 सितंबर 1973 का चिली का सैनिक विद्रोह का वर्णन है, सैनिक तख्तापलट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अगस्तो पिनोशे ने कितने वर्ष तक सैनिक तानाशाह के रूप में शासन किया? तो उन्होंने 17 वर्ष तक सैनिक तानाशाह के रूप में शासन किया। जनरल अगस्तो पिनोशे ने जनमत संग्रह कब करवाया? 1988 में करवाया। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेंथी है, कि क्वेश्चन ये है कि दोबारा से चिली में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? तो जैसे कि अभी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो पिनोशे को जो है सैनिक तानाशाह के रूप में वह राजगद्दी पर बैठ गया। 17 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो 17 वर्षों तक लगातार शासन करने के कारण वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें लगता था कि शायद जनता उनके फेवर में है, उन्हें चाहने लगी है, तो इसलिए उन्होंने 1988 में जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह के जो परिणाम है, जो नतीजे आए, वो बिल्कुल उनकी उम्मीदों के विपरीत आए। तो 1988 में जो जनमत संग्रह है, उन्होंने सारी चाल ही पलट दी। तो इसलिए जो है 17 वर्षों के दौरान जनरल अगस्तो पिनोशे ने पूरे क्रूरता के साथ शासन किया। जनता उनसे असंतुष्ट थी, क्षुब्ध थी। 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया, और पता नहीं कितनी संख्या में लोगों का कुछ पता नहीं चला, गुमशुदा थे कि वो कहाँ चले गए। जनरल जो वायुसेना के कमांडर थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और अन्य ऑफिसर जिन्होंने उनका साथ देने से मना कर दिया था उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। 1988 में जब जनमत संग्रह हुआ, तो जनमत संग्रह होने पर जब नतीजे बिल्कुल विपरीत आए, तो स्थिति पलट गई, जो राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित होने लगी। तो इस दौरान 2006 तक 4 राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो धीरे धीरे राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित होने लगी, और जो सैनिक तानाशाह की जो शक्तियाँ थी, धीरे धीरे उनको ये इलेमिनेट करते रहे, उनको बाहर निकाल कर फेंकते चले गए। और 2006 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो जैसे कि हमने बताया था कि अल्बर्टो बेशेल्ट जो कि वायुसेना कमांडर थे, उनकी बेटी व उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया था, यातनाएं दी गई थी, तो उनकी बेटी को लोगों ने 2006 में राष्ट्रपति पद के लिए चुना, अपना राष्ट्रपति, अपना शासक किया, अपना शासक नियुक्त किया, और उनका नाम था मिशेल बेशेल्ट। तो इस प्रकार से दोबारा से चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।